भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। भागलपुर में बैक ऑफ अपराधियों ने सरे बाजार ऑटो पर की बमबाजी। थरा उठा मारुचक मोहल्ला भागलपुर। भागलपुर में बैक ऑफ अपराधियों ने सरे बाजार बमबाजी की। अपराधियों ने बाजार से गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर बम फेंक दिया। अचानक हुई इस बमबाजी में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही भागलपुर के सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी समेत कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अपराधियों के धर पकड़ के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मारुचक के पास दो स्कूटी सवार और ऑटो चालक में बीच सड़क पर आगे पीछे करने में कुछ कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ देर में ही स्कूटी सवार ने अपने साथी के साथ आकर अचानक ऑटो पर बमबाजी कर दिया। वारदात में ऑटो चालक बंटी, छोटू कुमार, राहुल, विक्रम ठाकुर, राहुल कुमार और श्रवण कुमार घायल हुए हैं। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना के बाद मौके पर कैंप कर रही है। देखें वीडियो रिपोर्ट अंजनी कश्यप के साथ। कमौनी थाना कजरेली, और यही किसी आसपास टाइम पे उसका लगता है कि वो स्कूटर वाले से कुछ झड़प हुआ होगा। हम तो गेस करते हैं झड़प हुआ होगा, और उसी मोड़ पे टेम्पो रोक देता है और वो जाता है अपने घर, और अंदर से फिर तीन लड़के आते हैं, बम पटकता है और फिर भाग जाता है। पाँच छः दिन जख्मी हो जाते हैं, वो लोग भेजे हैं इलाज के लिए। बयान लेते हैं, जो टेम्पो था वो कुछ पालिक विवाद था और क्या पता करते हैं, और जो इसका कैमरा है वो देख रहे हैं उधर भागा नहीं भागा। अभी जो देखा उसमें कोई फुटेज नहीं आया है, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा रिट्रीट किधर है। लोग तो काफ़ी है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कोई तैयार नहीं बताने के लिए किधर भागा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हम लोग पता हम लोग कर रहे हैं, बाकी हम लोग का काम है मैनुअली हो चाहे कैमरा से पता करेंगे अपराध किसने किया है। जो भी किया है वो कल परसों जेल जाएगा ही जाएगा। पैसेंजर बैठा के आ रहे थे ना, तो आगे में तो स्कूल का गाड़ी था, मैजिक आ गया, तो हम ब्रेक लिए तो पीछे से तो ये आ रहा था, स्कूटी लेकर के आ रहा था एक लड़का, एक खड़ा हुआ उधर से आया ना, बस तो मेरे गाड़ी में पीछे से ठोक दिया। अच्छा। बहुत स्पीड में आया। अच्छा। ब्रेक जैसे लिए वैसे ठोक दिया मेरे गाड़ी। अच्छा। ठोक करके फिर मेरे को आ करके यहाँ झगड़ा झाटी करने लगा, मारपीट करने लगा। आगे पुलिस के आगे चलो, वहाँ पर जाम लगने लगा, पुलिस के आगे चलो। तब आगे घोटा जो कही रहे थे सर, हम पैसेंजर बैठा करके, पैसेंजर जहाँ पर उतारा था धक्का कहाँ पर लगा? मंदिर के पास। अच्छा। उसके बाद वो आगे मेरा चाबी खींच करके लेके चला गया, बोला कि माता तो तुम्हें खड़ा रहना, हम हुसैनाबाद से आ रहे हैं। कुछ लेके चला गया, वहाँ पे आदमी लोग बहुत सारा जमा हो गया, तो चली चाबी लेके चला गया। हाँ, चाबी लेके ही चला गया। फिर आया दो तीन आदमी को लेकर के आया। हम लोग बात ही कर रहे थे सब, पता नहीं किधर से बम गिरा दिया, ये नहीं मालूम। अच्छा, तब तक लोगों की भीड़ जुड़ गई थी, तब तो घायल भी हुआ होगा। सब साथे बात ही कर रहे थे, हम लोग खड़े हुए बात ही कर रहे थे। मतलब चलाया कि उसके पास जो बम था गिर गया, उसके पास ही में होगा कि क्या कहाँ से गिरा सर, मतलब बीच में बम गिर गया, बीच में गिरा। तब तो वो तो ज़्यादा घायल हुआ होगा, लेकर के भाग गया। उसके बाद तीन आदमी था कि दो आदमी था? तीन आदमी था ना, स्कूटी स्टार्ट करके भाग गया। क्या नाम हुआ आपका? टेम्पो में कौन था? बेटा था, क्या उसका नाम है?
बनकी वो कहाँ से आ रहा था? कजरेलिया से आ रहा था, सवारी लेकर। अच्छा अच्छा, तो है पता क्या हुआ? नहीं सर, हम लोग तो बोला कोई आदमी का नवगछिया। सोनू कुमार पुनः बने युवा जदयू जिलाध्यक्ष। युवा जदयू प्रदेश नेतृत्व ने एक बार फिर से सोनू कुमार को दल के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा और समर्पण को देखते हुए युवा जदयू नवगछिया संगठन जिला का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार ने बताया कि युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने उन्हें लगातार दूसरी बार यह जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शाहिद रजा, छात्र जदयू जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल, पुष्पक सिंह, शिवशंकर चौधरी, रूपक पटेल, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार कन्हैया, अभिषेक भगत, सूरज कुमार, रजनीकांत राय, हिमांशु भगत, मुकेश राय व अन्य ने बधाई दी है। नवगछिया में बाबा विश्व राउत पुल पहुँच पथ पर सड़क दुर्घटना में एक घायल। नवगछिया के कदवा थाना क्षेत्र के बाबा विश्व राउत पुल पहुंच पथ पर सोमवार की दोपहर 1 बजे चौसा की तरफ से आ रहे ट्रक ने बाइक को धक्का मार दिया, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं घायल युवक गोपालपुर थाना क्षेत्र के 83 गांव निवासी 32 वर्षीय मुकेश देसवाल है, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया। कैसे घटना हुआ? कुछ पते नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश। कहाँ से आ रहे थे? नवगछिया से। घर कहाँ है आपका? चौसा तिरा से। घर जा रहे थे जी। उसके बाद आगे? आगे कुछ पता नहीं, माल लेके घूमे आगे से मारा है, पीछे से कुछ पते नहीं हमको। ट्रक काफी रफ्तार में थी। हाँ। कैसे घटना हुआ कुछ पता है आपको? नवगछिया से चौसा जा रहा था और पीछे से गाड़ी गया, उसके बाद जो उसको अपने चपेट में लिया। क्या नाम है आपका? राजेश। कौन है वो आपके? मेरा बड़ा भाई। नवगछिया के जपतेली में मारपीट के मामले में 3 घायल। परबत्ता थाना क्षेत्र के जपतेली गांव में सोमवार को जमीन विवाद के मामले में हुए मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में मनोज राय, परमानंद राय, राम पुकार राय, आदो देवी के साथ मारपीट हुआ है, जिसके बाद सभी घायलों को परिजनों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां सभी घायल का इलाज किया गया। नवगछिया मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय की छात्राएं निकालेगी आक्रोश मार्च। हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में नवगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राएं आक्रोश मार्च निकालेगी। जानकारी देते हुए संगठन के महाविद्यालय अध्यक्ष स्मृति सिंह ने कहा कि अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए छात्राएं आक्रोश मार्च निकालेंगी। गोपालपुर में पैक्स चुनाव की तैयारी पूरी, नामांकन हेतु 9 टेबल लगाए जाएंगे। गोपालपुर प्रखंड के 9 पैक्सों के चुनाव कराने की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। इसकी जानकारी देते हुए वीडियो प्रियंका ने बताया कि सभी पैक्सों के नामांकन हेतु 9 टेबल नामांकन की तिथि 4 नवंबर से लगाए जाएंगे। सभी टेबल पर 2 कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हेला रियूस हेम्ब्रेम को सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के सहयोग के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। 27 बूथों पर निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव कराने हेतु 9 पेट्रोलिंग कम पेट्रोलिंग पार्टी का गठन किया गया है तथा 5 सेक्टर पदाधिकारी पर कड़ी निगरानी बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। अभी तक में बड़ी मकनपुर, सुखटिया बाजार व डुमरिया चपरगढ़ पंचायत से 4 विभिन्न कोटि के प्रत्याशियों ने नाजीर रसीद कटवाए हैं तथा मतदाता सूची में नाम शुद्धिकरण हेतु 3 लोगों ने आवेदन दिया है। वीडियो सह निर्वाची पदाधिकारी प्रियंका ने बताया कि सामान्य कोटि के प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क ₹1,000 तथा महिला व आरक्षित कोटि के प्रत्याशी के लिए ₹500 नामांकन शुल्क है। नवगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 97096 11005 8292 9131 26। नवगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम वर्ल्ड जिम स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के समीप
नवगछिया समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम, पूर्णतया वातानुकूलित महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय मोटापा, हाई लो बीपी, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाएं। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जीन नवगछिया स्टेट बैंक के सामने एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031696929 9031 6929 799224555 बैक चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नवगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने उदार गली नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586 8294555586 बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर। शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर नया टोला नवगछिया काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल 9571443094 8779 23100। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065 2। गोपालपुर थाने में मारपीट का मामला दर्ज। गोपालपुर थाना अंतर्गत डिमहा निवासी अनिला देवी के लिखित बयान पर डिमहा निवासी प्रदीप मंडल राहुल कुमार पर मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि पुराने विवाद में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुर रायपुर में बारात में डीजे डांस के दौरान डीजे चालक ने डांस करे बाराती को रौंदा, एक की मौत, आधा दर्जन जख्मी। भवानीपुर क्षेत्र के रायपुर गांव में रविवार की रात्रि शादी समारोह में बारात दरवाजा लगाने के दौरान लगभग 12 बजे रात्रि में लड़की पक्ष के डीजे के चालक द्वारा शराब के नशे में डांस करे बारातियों पर डीजे लदा पिकअप चढ़ाने से घटनास्थल पर एक बाराती की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन यात्री जख्मी हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रायपुर निवासी विजेंद्र शर्मा की पुत्री करिश्मा की शादी में खगड़िया जिले के मुफसिल थाना अंतर्गत धूसमरी विशनपुर से शिवनंदन शर्मा के पुत्र मिथुन शर्मा की शादी के लिए आए बरयात्री को दरवाजा लगाने के दौरान दोनों पक्षों से आए डीजे की धुन पर बरयात्री डांस कर रहे थे। अचानक डीजे लदे चालक रायपुर निवासी शराब के नशे में धुत चालक सुगम शर्मा बेतरतीब तरीके से गाड़ी को इधर उधर दौड़ाने लगे, जिससे बरयात्री पक्ष के लड़के का दोस्त धूसमरी विशनपुर निवासी पांडव कुमार को रौंद डाला, जबकि डांस कर रहे दिलखुश कुमार, मिट्टू शर्मा, अनिरुद्ध चौधरी, लक्ष्मण कुमार, विवेक कुमार जख्मी हो गए। आनंद फानन में बरयात्री ने गंभीर रूप से जख्मी पांडव वाने को इलाज के लिए सदर अस्पताल खगड़िया ले गए, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य दो जख्मी का इलाज सदर अस्पताल खगड़िया में करवाया गया।